इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहाँ बने बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा हमारे हर वीडियो से अपडेट रहें। नमस्कार, सत्यमेव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकित मासूर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बयाना में टेम्पो के टक्कर से महिला की हुई मौत, परिजनों का रो रोकर है बुरा हाल। श्रीगंगानगर में किसानों पर लाठीचार्ज का मामला, किसानों ने उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। झालावाड़ के उन्हेल में चिड़ी गाँव में सो रहे अधेड़ की गोली मारकर की हत्या, पुलिस ने मामला दर्ज कर की कार्रवाई शुरू। और खाजूवालों में वन महोत्सव के तहत पर्यावरण चेतना यात्रा का किया शुभारंभ, रैली निकालकर पर्यावरण बचाने का दिया संदेश। और अब खबरें विस्तार से। बूंदी में इनर व्हील क्लब द्वारा शुक्रवार को न्यू कॉलोनी स्थित सामुदायिक भवन में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। शिक्षकों का सम्मान राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ममता शर्मा ने किया। समारोह की अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी तेज कंवर ने की। समारोह की प्रोजेक्ट डायरेक्टर पवित्रा शर्मा और विमलेश सोनी रही। कार्यक्रम के अंत में क्लब सचिव रोहिणी हाड़ा ने अतिथियों और शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। धौलपुर जिले के सेपव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर शनिवार को संगठन पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष विनीत शर्मा ने की। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भाजपा के विरोध में 10 सितंबर को भारत बंद की अपील कर रही है। भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार का शासनकाल विफल रहा और देश की जनता ने भारी बहुमत देकर भाजपा को सत्ता सौंपी थी, लेकिन सरकार हर मोर्चे पर विफल रही और नकारा साबित हुई। देश में महंगाई की मार सीमा को लांघ चुकी है। किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग और व्यापारी सब त्रस्त है। महंगाई ने आम जन का जीना दुश्वार कर दिया है। जोधपुर के बालेसर उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुई में बेटी पंचायत कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसमें काफी मात्रा में जन समुदाय ने सक्रिय भागीदारी निभाई। बेटी बचाओ का संकल्प लिया। चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रीतम सांकला ने बताया कि बेटियां अनमोल होती है और उन्होंने राजश्री योजना के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार दिए गए और इस मौके पर डॉक्टर पूनम शर्मा, रविशंकर, मंजू कुमारी, हेमंत जोशी, नरपत सिंह जी, लूणा राम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी और ANM स्टाफ ने सहभागिता निभाई। बाप थाने के CI पद पर शनिवार को कैलाश दान चारण ने पदभार ग्रहण किया। चारण पुलिस थाना बाली से स्थानांतरित होकर आए हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद चारण ने स्टाफ की बैठक ली। इस अवसर पर चारण ने कहा कि अपराधों पर प्रभावी अंकुश के लिए आमजन का सहयोग जरूरी है। इस दौरान ASI अभय सिंह, इमरान खान, धर्मेंद्र जाट, रमेश विश्नोई, सामाजिक कार्यकर्ता सावलदान चारण आदि उपस्थित रहे। बापिनी में बाबा रामदेव संघ वर्षिकों का बास देणोक से रामदेवरा के लिए 23वीं बार पैदल यात्रियों का जत्था रामदेवरा के लिए रवाना हुआ। महादेव मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सुमेर सेवर की अध्यक्षता में बाबा रामदेव जी मंदिर में जात्रु एकत्रित हुए, जहां पर पैदल यात्राओं को माला पहनाकर जयकारे के साथ विदा किया गया। इस मौके पर संघ उपाध्यक्ष जेठू सिंह भाटी, गोमंदा राम सियाग, शैतान सिंह, भंवर सियाग, संपत खिच्चा, रेवत सियाग, सांग सिंह चंपावत, किशन सेवर सहित सभी यात्री मौजूद रहे। झालावाड़ जिले के उन्हेल थाना क्षेत्र के चिड़ी गांव में देर रात्रि को घर के बाहर सो रहे अधेड़ व्यक्ति की कनपट्टी पर अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जब परिजनों ने मृतक को खून से लथपथ देखा तो पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है।
दिनांक 8/9/2018 को ग्राम चिड़ी के गोर्धन सिंह ने मेरी मोबाइल फोन एक लगी। मेरे काका जी सुजान सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह, जिनकी उम्र करीब 45 साल है, अपने मकान के बाहर छपरे में सो रहे थे। सुबह उनकी पत्नी ने कबाड़ खोली तो जो है उनके शरीर पर खून था, नीचे खाट के नीचे खून था। देखने में पता चला कि दाहिनी तरफ कनपट्टी पर उनके जो है क्या गनशॉट किसी देसी कट्टा या हथियार से फायरिंग करके जो है क्या रात्रि में हत्या कर दी गई, जिसकी जो है क्या है प्रकरण दर्ज कर जांच जारी है। उच्चाधिकारी श्रीमान सीओ साहब नंदा मौके पर बराजी हुए हैं। बयाना बसेड़ी मेगा हाईवे पर गांव सामरी के पास टेम्पो ने महिला को टक्कर मारी और महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। ग्रामीणों ने टेम्पो चालक को पकड़कर पुलिस को सुपुर्द किया और पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पाली के सिरियारी में ग्राम मांडा के राजकीय विद्यालय की 5 बेटियों ने जिला स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 5 बेटियों के साथ अध्यापक का भी मांडा ग्रामीणों ने ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया। पीटीआई ने सभी समाज सेवियों को अवगत करवाया कि अगर बालिकाओं के परिजन सहयोग करें तो बालिकाओं को राज्य में महत्वपूर्ण पहचान मिल सकती है। इस मौके पर प्रधान अध्यापिका अनिता शर्मा, भाजपा महिला जिला मंत्री केली देवी सिरवी, मांडा सरपंच नीरू कंवर, अमरा राम सिरवी, भाजपा मंडल महामंत्री सचिव कान सिंह, समाज सेवी टीकम चंद विरायच, दिनेश कुमार सुमन आदि मौजूद रहे। ओसिया उपखंड क्षेत्र के निकटवर्ती सिरमंडी ग्राम में शनिवार को किसानों ने स्वीकृत नए एक्सप्रेस हाईवे के अंतर्गत विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के अधीन परिवहन मंत्रालय द्वारा हाल ही में नए एक्सप्रेस हाईवे को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस कार्यक्रम में पंजाब के लुधियाना से गुजरात के जामनगर तक करीब 1316 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस हाईवे ओसिया क्षेत्र के सिरमंडी, रामनगर, खावड़ा, भियाड़िया सहित एक दर्जन से अधिक गांवों से होकर गुजरेगा। ऐसे में अधिकांश किसानों को अपने घर और जमीन की चिंता सताने लगी है। किसानों ने केंद्र सरकार के अधीन नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत मुआवजा देने और सरकार से दूसरी जगह विस्थापित करने की मांग की। किसानों ने कहा कि सरकार द्वारा हमारी मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। खाजूवाला में लगातार बढ़ रहे पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए वन महोत्सव के तहत पर्यावरण चेतना यात्रा का शुभारंभ खाजूवाला विधानसभा के छत्तरगढ़ उपखंड से 6 अगस्त से शुरू हुई। पर चेतना यात्रा विधानसभा 6 दर्जन से अधिक गांवों की यात्रा पूरी कर आज खाजूवाला उपखंड कार्यालय पहुंची, जहां जाट धर्मशाला के बाजार मुख्य मार्गों से वाहन रैली निकालकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। यात्रा के संयोजक एसपी सीआईडी सीबी मदन गोपाल मेघवाल ने बताया कि खाजूवाला विधानसभा के छत्तरगढ़ से शुरू हुई पर्यावरण बचाओ चेतना यात्रा के तहत खाजूवाला विधानसभा के लगभग 6 दर्जन से अधिक गांवों में पर्यावरण बचाने के उद्देश्य से चेतना यात्रा निकाली गई। इस दौरान लगभग 24,500 पौधों का वितरण एवं रोपण भी किया गया। पर्यावरण चेतना यात्रा का समापन कल रविवार को 11:15 पर जाट धर्मशाला खाजूवाला में किया जाएगा। मेघवाल ने सभी से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचकर पर्यावरण को बचाने और स्वच्छ एवं भारत अभियान का निर्माण करने में अपनी भागीदारी का निर्वहन करें। समापन से पूर्व खाजूवाला उपखंड मुख्यालय पर वाहन रैली निकालकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया। क्षेत्र को हरा भरा बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील की है। आज के समय की आवश्यकता को देखते हुए इस तरह से पर्यावरण दूषित हो रहा है, दूषित होने के जो कारण है उसके निवारण को ध्यान में रख करके 6 अगस्त 2018 को छत्तरगढ़ से पर्यावरण चेतना यात्रा प्रारंभ की गई थी, जिसका समापन कल जाट धर्मशाला खाजूवाला में किया जाना है। सुबह 11 बजे इसका प्रोग्राम रखा गया है। मैं सभी ग्रामवासियों से, सभी जागरूक बंधुओं से निवेदन करता हूँ,
कि कल के समापन प्रोग्राम में अधिक से अधिक संख्या में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर इस बात का दायित्व बोध से सुसज्जित हो कि हम एक जागरूक नागरिक हैं और समाज में जिस तरह से फैल रहा है इसके प्रति हम जागरूक होकर के दूर करने का प्रयास करेंगे, इसमें अपना अधिक से अधिक सहयोग देंगे। धन्यवाद। श्रीगंगानगर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सीसी हेड पर बैठे किसानों के साथ कल लाठीचार्ज और गिरफ्तारी के मामले में किसानों ने आक्रोश लगातार बढ़ता ही जा रहा है। गिरफ्तारी के विरोध में आज किसानों ने पदमपुर थाने का घेराव किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि पुलिस ने शांतिपूर्वक धरने पर बैठे किसानों को बेवजह लाठीचार्ज करते हुए गिरफ्तार किया। ऐसे में अब आक्रोशित किसानों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी है। बहुत दुर्भाग्य, ये किसी मुख्यमंत्री के लिए खुद के लिए बहुत ही अफसोस की बात है कि स्टेट का मुख्यमंत्री जो सारी जनता के दुख दर्द का जुम्मेवार है और वो जहां उसको मारा डाले स्वागत करे उसकी पार्टी वहां तो वो ठहर जाए और दूसरी जगह जहां लोग बैठे हों अपनी तकलीफ को लेकर उनको ठहरने की बजाय उन पर लाठी चलाए कि तुम यहाँ से भाग जाओ सड़क से और इस तरह से पिटाई करें तो बहुत ही घटिया बात हुई है। मैं समझता हूँ कि ये सारे बीजेपी को पूरे देश के अंदर सोचना चाहिए कि ये रवैया प्रजातंत्र में बहुत ही गलत है और ये प्रजातंत्र की हत्या है, क्योंकि विरोधी की आवाज़ नहीं सुनोगे तो आपको पता ही लगेगा इलाके का हाल क्या है। यही तो बताने बैठे थे वो कि इस इलाके में फसलों का क्या हाल है, इलाके की जो फसल है वो खरीदनी है नहीं खरीदनी, पानी की क्या स्थिति है, यही लेके बैठे थे किसान। इसलिए इसके सिलसिले में और उन्होंने जो दमन करने का तरीका अपनाया है, अगर सरकार ने ये अपना दमन का रवैया नहीं बदला और जिस तरह से लाठी चलाई, गोली चलाई, रबड़ की गोलियाँ छोड़ी और उन्होंने और दमन आगे बढ़ाया इसको, तो निश्चित तौर से गंगानगर में इसका बहुत जबरदस्त विरोध होगा और हम भी इसका विरोध करेंगे। रायसिंह नगर में बीते दो दिनों तक रायसिंह नगर में अनाज मंडी के बाजार बंद रहेंगे। जिला व्यापार मंडल संघ के आह्वान पर जिले भर की अनाज मंडियों में दो दिन तक हड़ताल जारी रहेगी। व्यापारियों ने कल रायसिंह नगर अनाज मंडी से लेकर शहर के मुख्य मार्गो से होते हुए आक्रोश जुलूस निकाला। आक्रोश व्यापारियों ने मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन करते हुए उप जिला कलेक्टर को सभी दुकानों की चाबियां सौंप दी। व्यापारियों का आरोप है कि सरकार ने कच्चा आढ़तिया संघ को सरकारी खरीद में आंडत नहीं देने के निर्णय के बाद से व्यापारियों में आक्रोश है, साथ ही व्यापार पर भी असर पड़ रहा है, जिसको लेकर आज व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनील पटावरी, नानूराम सरवा और व्यापारी नेता अशोक गोयल के नेतृत्व में व्यापारियों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार से अपनी मांग मानने का अनुरोध किया। रायसिंह नगर के साथ ही जिले भर की विभिन्न मंडियों में आज पूर्ण रूप से बंद है। इन मंडियों में किसी भी प्रकार का कारोबार नहीं हो रहा। व्यापारियों के साथ विभिन्न मजदूर संघ भी मौजूद रहा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए। तब तक लिए आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए सिर्फ सत्यमेव न्यूज़।